हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 5 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे जो इंटरनल सिक्योरिटी की हमारी क्लासेस थी वो कल से स्टार्ट हो चुकी हैं, और आपको उसका अगर डेमो वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस डेमो वीडियो को एक देख सकते हो। अगर आपको कुछ और भी कंसर्न्स वगैरह हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको बता दूँ कि अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आप देवेंद्र सिंह 27 के नाम से रेफरल कोड है वो यहाँ पे यूज है वो कर सकते हो। इससे आपको 10% जो भी आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे उसमें आपको डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अब हम देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ हमारी है वो आई है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। क्या न्यूज़ आई है वो हम देखते हैं। देखो, न्यूज़ ये आई है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत जो फंड था, जो पैसा था इस फाउंडेशन का, उसके तहत एक फ़ंड बनाया गया है एक स्पेशल डिजीज से निपटने के लिए। कौन से डिजीज से निपटने के लिए बनाया गया है, कैसे वो डिजीज फैलती है, वो सब हम देखने वाले हैं। डिजीज का नाम यहाँ पे वो है न्यूमोकोनियोसिस। तो ये आप ध्यान रखना, न्यूमोकोनियोसिस, इसमें पी यहाँ पे साइलेंट है वो रहता है। तो न्यूमोकोनियोसिस एक डिजीज़ है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये कि आखिर ये डिजीज़ फैलती कैसे है। देखो, जो वर्कर डस्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, डस्ट का मतलब जहाँ पे डस्ट उड़ रही हो, धूल के पार्टिकुलर जो कण्स वगैरह हैं वो उड़ रहे हो। जैसे कि कोई इंसान है वो कोल इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कोयले की खानों में, या फिर सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा हो, या फिर कोई और ऐसी फैक्ट्री हो जैसे कि स्टोन, जो क्रेशर स्टोन वगैरह होती हैं ऐसी, जहाँ पे क्या है कि जो हवा में जो हमारी मिट्टी के कण वगैरह, धूल के कण हैं, एरोसोल हैं, ये उड़ते रहते हैं। और वो क्या होता है, धीरे धीरे श्वास के थ्रू फेफड़ों में जाके या लंग्स में जाके जमा होने लग जाते हैं। उससे जो डिजीज़ फैलती है उसका नाम है न्यूमोकोनियोसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उस डिजीज़ का नाम न्यूमोकोनियोसिस रखा गया है। अब ऐसी इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनके अंदर डिजीज़ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए उनको राहत पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ने जो उसका फंड था इसका यूज़ करके अभी इस बीमारी को रोकने के लिए स्टेप यहाँ पे उठाए हैं। ये देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तौर पे काम किया जाएगा इस डिजीज़ के लिए, ताकि जहाँ जहाँ पर ये डिजीज़ फैल रही है माइनिंग एरियाज़ में या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में, उसको रोका जा सके। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जो DMF फंड है या DMF जो मनी है, ये बेसिकली एक नॉट प्रॉफिट ट्रस्ट के तौर पे स्थापित किया गया है। इसका काम क्या है, इस पैसे का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, और वो लोग जिनमें न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं या जिनको डिजीज़ हो जाती है, उन लोगों के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता है, ताकि वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो पर्सन जो न्यूमोकोनियोसिस डिजीज से पीड़ित हैं या इससे पीड़ित हो सकते हैं, आगे खतरा है उन पे, उनके इंटरेस्ट और उनको बेनिफिट को सर्व करना, और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, इसी के साथ रिलेटेड एक न्यूज़ है, वह यह प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में। तो क्या है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। देखो, यह जो प्रोग्राम है ना वो इसलिए चलाया गया है कि जहाँ पे खनिज की माइनिंग वगैरह होती है उस एरिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को राहत है वो पहुँचाए जा सके लिए, उसके लिए एक फंड है वो बनाया जाता है इस योजना के तहत, और फिर उस फंड का यूज है वो किया जाता है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो का जो फंड है उस फंड का यूज इसी योजना के तहत है वो किया जाता है। कहाँ पे इसका पैसा लगाया जाता है, वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे जो वर्कर है वो बेसिकली माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस में संलिप्त है वो पाए जाते हैं। फ़ायदा क्या है इसका, इसका फ़ायदा ये है कि जो भी लाइवहुड है, मतलब जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी आजीविका को लॉन्ग टर्म के लिए सुनिश्चित किया जा सके और वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ है वो जी सकें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। देखो, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है क्या, पहले तो ये देखते हैं। यह एक ग्लोबल कम्युनिटी है, यानी कि एक ग्लोबल समुदाय के तौर पे है, जिसमें लगभग 1000 के आसपास साइंटिस्ट ग्रुप्स हैं, और जो लगभग 10 साल से काफ़ी टाइम से काम है वो कर रही है। किस सेक्टर में, देखो आप सब जानते हो कि हमारी अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन है वो पाया जाता है, किसी न किसी अलग अलग फॉर्म में। तो बेसिकली हमारी अर्थ पे जो कार्बन पाया जा रहा है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस तरीके से वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कार्बन का मूवमेंट्स होता है, किस तरीके से कार्बन की जो क्वान्टिटी है, क्वालिटी है, वो चेंज हो रही होती है, इन सब की मतलब कि कार्बन की मेनली स्टडी करने के लिए डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी एक समुदाय है वो बनाया गया है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है क्या। अब देखते हैं न्यूज़ क्या आई है। न्यूज़ ये आई है
कि डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है ना, उसने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है कार्बन को लेके कि भाई जो कार्बन एमिशन है और किस तरीके से कार्बन का एमिशन बढ़ता जा रहा है, क्या क्या इसके इफेक्ट हैं, उसी को लेकर रिपोर्ट है वो जारी की गई है। अब पहली बात तो ये कि हमारे लिए कार्बन की स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, हमारे लिए कार्बन की स्टडी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अर्थ पे जो भी मैक्सिमम चीज़ें पाई जाती हैं उसमें कार्बन का एक इम्पोर्टेंट, और आप बोल सकते हो कि एक स्थान है यहाँ पे, मतलब कार्बन एक अपना इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रोल है वो अर्थ में अदा यहाँ पे कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप खाना बनाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करते हैं, इवन खाना बनाने जो बर्तन यूज़ करते हैं, खाना जो हम बनाते हैं गेहूँ चावल वगैरह, इन हर चीज़ में कार्बन की फॉर्म है वो अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। मतलब कि कार्बन हर जगह आप एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रेजेंट है। इसीलिए कार्बन की स्टडी काफ़ी अहम हो जाती है कि भाई कार्बन है वो कैसे क्लाइमेट में आ रहा है और कौन कौन से कार्बन की फॉर्म नुकसानदायक है, कैसे हमें सॉल्यूशंस लेके आने हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी इसके द्वारा की जाएगी। तो देखो, कार्बन बेस्ड फ्यूल भी होता है। आपको पता है कि जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। इसी के साथ ही हमारे एटमॉस्फेयर में भी ग्रीन हाउस गैस के थ्रू कार्बन है वो फैलता जा रहा है, तो वो अलग अलग फॉर्म हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। तो उन सब की स्टडी है वो यहाँ पे, उन सब का रिपोर्ट्स है वो जारी की गई है। तो हम थोड़े फैक्ट देखते हैं जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है इसके बारे में। देखो, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारी अर्थ में टोटल जितना कार्बन है ना, उसका लगभग 1% जो हिस्सा है ना वो तो सरफेस के बाहर ही है। मतलब जैसे मान लो कि ये हो गई हमारी अर्थ, तो अर्थ की जो सरफेस है ना इसके ऊपर तो लगभग 1% कार्बन ही है, बाकी जो 99% कार्बन है वो तो अर्थ के अंदर है या फिर महासागर ओशियंस वगैरह इनके अंदर समाया हुआ है। इसी के साथ ये बताया गया है कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट और जो मेंटल है ना, इसके अंदर लगभग 1.85 बिलियन गीगाटन कार्बन है, उसका स्टोर है या इतना कार्बन है वो यहाँ पे इसमें ट्रेप है वो या फंसा हुआ है। इसी के साथ इसमें ये बताया गया है कि जो कार्बन ओशियन वगैरह में पाया जा रहा है, लैंड में मतलब ज़मीन के ऊपर पाया जा रहा है, एटमोसफेयर में पाया जा रहा है, ये सारा मैक्सिमम कार्बन है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इसी की वजह से जो कार्बन है वो ओशियन में पहुंच रहा है और एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है और ज़मीन के अंदर वो फैलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी ही इस सिस्टम को प्रभावित है वो कर रही है। इसी के साथ इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का वो 100 गुना ज़्यादा है जबकि अर्थक्वेक के जो वोल्केनो वगैरह जो अर्थ के वोल्केनो वगैरह आते हैं उनसे। मतलब कि वोल्केनो जितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं उससे 100 गुना एमिशन तो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं वो करती हैं। इसी के साथ इसमें एक फैक्ट ये भी दिया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली हर साल लगभग 10 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एटमोसफेयर में रिलीज है वो करती हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बड़ा ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज़ है सामने उभर के आ रहा है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि जो नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि अंडरग्राउंड चल रही है, या आप बोल सकते हो कि जियोलॉजिकल प्रोसेस अंडरग्राउंड में जो भी होती हैं, इससे अगर देखा जाए तो 10% जो कम एक्टिविटीज़ हैं वो अर्थ की खुद की रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है ना वो ह्यूमन एक्टिविटीज से ज़्यादा फैल रही है, बाकी जो अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे इतना इफेक्ट है, इतना नुकसान है वो नहीं होता है। तो ये इस रिपोर्ट के कुछ फैक्ट थे जिनको हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है वयोश्रेष्ठा सम्मान के बारे में। वयोश्रेष्ठा का मतलब, श्रेष्ठा का मतलब यहाँ पे है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई सम्मान, मतलब उनके लिए अवार्ड एक तरीके से। देखो, यह जो स्कीम है ना वो नेशनल अवार्ड एक है, एक स्कीम है जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसके द्वारा वयोश्रेष्ठा सम्मान को पुरस्कृत है वो किया जाता है। ये बेसिकली जो अवार्ड की सीरीज है इंडिया में नेशनल लेवल पे, ये 2013 से स्टार्ट है वो की गई थी। इससे पहले ये नेशनल लेवल पे इसको नहीं स्टार्ट किया गया था, कुछ इतना खास फोकस नहीं रहता था। होता क्या है, इसमें जो भी सीनियर सिटीजन या जो भी वर्ल्ड लोग हैं जिनने काफ़ी अच्छा काम किया है अपनी एज के टाइम पे, तो जो भी ऐसे प्रतिष्ठित सिटीजन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको पुरस्कृत है, सम्मानित है वो किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो अवार्ड है वो बेसिकली इस बार 1 अक्टूबर को क्या स्पेशल था, 1 अक्टूबर को था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस, तो उस दिन बेसिकली अवार्डों की लिस्ट है वो जारी है वो की गई है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ और देख लेते हैं, वो ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ जो ओल्डर पर्संस हैं ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सर्टिफाइड है, जो कि 1 अक्टूबर को हर साल है वो मनाया जाता है। ये जो स्टार्टिंग थी वो वैसे की गई थी 14 दिसंबर 1990 से,
बट इतना आप मत याद रखना, बस ये ध्यान रख लेना कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वेरीफाई है, वो यहाँ पे डन है, वो किया गया है। इस बार की जो थीम थी वो थी द जर्नी टू एज इक्वलिटी, तो ये आपको ध्यान में रखना कि थीम इस बार क्या रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है एक्सरसाइज के बारे में, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री इंडियन आर्मी और इसी के साथ ही मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसी को लेके, उसका नाम है एक्सरसाइज इक्वेरियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज जो इक्वेरियन है उसका 2019 में जो एडिशन है वो इंडियन आर्मी और मालदीव के बीच में आयोजित किया गया है, और हुआ कहाँ पे है, इस बार ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित है, वो किया गया है। देखो ये जो एक्सरसाइज इक्वेरियन है ये बेसिकली अल्टरनेट होती है, एक साल इंडिया में एक साल मालदीव की साइड, तो इस बार ये इंडिया होस्ट कर रहा है और ये 14 दिन की एक्सरसाइज है जो कि इस बार पुणे में आयोजित है वो की जा रही है। टारगेट इसका इस बार ये रहेगा कि काउंटर इंसर्जेंसी, इसी के साथ ही काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और जो सेमी अर्बन इन्वायरमेंट है यूनाइटेड नेशंस के गाइडलाइंस के तहत उन ऑपरेशन पर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ एक एक्सरसाइज और आई है, वो आई है नोमेडिक एलिफेंट 2019। देखो नोमेडिक एलिफेंट 2019 एक्सरसाइज है वो इंडो मंगोलियन ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया की लोकेशन आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मंगोलिया की लोकेशन है वो चाइना है जैसे यहाँ पे, और चाइना के ऊपर की साइड और जो रसिया है इन दोनों के बीच में यहाँ पे मंगोलिया की लोकेशन है, यहाँ पे है रसिया और यहाँ पे बीच में है मंगोलिया की लोकेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना कि सेंट्रल एशियन की कंट्रीज के बॉर्डर टच है वो मंगोलिया का करता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रकाश पोर्टल के बारे में। देखो प्रकाश की फुल फॉर्म वो यहाँ पे है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी पोर्टल। ये पोर्टल क्यों बनाया गया है, ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि जो कोयल सप्लाई है कोल जो पावर प्लांट्स वगैरह में, इसको लेकर एक ट्रांसपेरेंसी और जो कोऑर्डिनेशन है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। काफ़ी बार क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है कि कोयले चोरी वगैरह के इश्यूज रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता है, कोयला टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, जिससे जो प्लांट है वगैरह पावर प्लांट वगैरह वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कई बार जो ट्रेन के थ्रू मालगाड़ी के थ्रू सामान जाता है कोयले का, कोयला नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं। तो इन सब में ट्रांसपेरेंसी और आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए प्रकाश पोर्टल बनाया गया है। इसका एम यही है कि बेटर कोऑर्डिनेशन फॉर कोयल सप्लाई अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब कि जो जो कोयल सप्लाई में संलिप्त हैं उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके और जो सप्लाई है वो लगातार कंटिन्यू रहे, उसमें कोई भी बाधा हो या रुकआउट ना आए। इसमें जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंक्लूड है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंक्लूड है, कोल इंडिया जो कि PSU है वो इंक्लूड है, इसी के साथ रेलवे और पावर जो यूटिलिटीज हैं वो सब इसमें शामिल हैं। क्योंकि देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पावर जनरेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो कोयले प्रोडक्शन के लिए है, कोल इंडिया इंडिया की कोर PSU है जो कि कोयले की माइनिंग वगैरह करती है, रेलवे के थ्रू कोयले की सप्लाई की जाती है, और पावर यूटिलिटीज आपको बताया कि बिना पावर के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो भी स्टेक होल्डर इसमें संलिप्त हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी जरूरी हो जाता है। यह जो पोर्टल है प्रकाश पोर्टल, ये डेवलप किया गया है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, और इसके बाद में इसमें जो डाटा है और भी मेथड्स वगैरह हैं वो बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रीस है और जो कोल कंपनीज हैं उन सब में डाटा इसका शेयर किया जाएगा। वो सारा डाटा आपको ऑनलाइन यहाँ पे मिल सकता है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रह सके कि कितना कोयले का प्रोडक्शन हुआ है, कितना कोयला कहाँ पे भेजा गया, इस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, सारी डिटेल्स इस पोर्टल पे मिलेंगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व को लेके। पहली बात तो यह कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व की लोकेशन है कहाँ, वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे ट्राई जंक्शन एरिया आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे इधर तमिलनाडु है, ये वाला एरिया थोड़ा सा दिख रहा है, ये यहाँ पे केरला का एरिया है और ये जो बाउंड्री है इधर आ गई है फिर अपना कर्नाटका। तो बेसिकली 3 स्टेट में आपको यहाँ पे अच्छे से आप जानते हो कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला हिस्सा है वो इस वाले रीजन में पूरे में फैला हुआ है, और इसी में काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से, एक बार हम वो देख लेते हैं। कर्नाटका में हम बात करें तो एक आती है नागरहोट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, जिसका थोड़ा सा ऐसा केरला में भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका केरला में भी आ रहा है। इसी के साथ ही जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसका कुछ हिस्सा हम देखेंगे यहाँ पे तो वो मतलब केरला में भी आ रहा है और कुछ हिस्सा यहाँ पे कर्नाटका में है वो भी है। इसी के साथ ही नीचे हम देखें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में आता है, और फिर यहाँ पे एक है वेमनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका कुछ हिस्सा कर्नाटका में है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में है और कुछ हिस्सा यहाँ पे केरला में, मतलब ये सारे बॉर्डर वाले एरिया में है।
अब बात यह है कि जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व था ना, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पहले कुछ टाइम पहले ये कहा था कि भाई इससे जो रास्ता जा रहा था, एक नेशनल हाईवे क्रॉस हो रहा था, उस राय ये रहा दिख रहा ना आपको, ये 766 मतलब कि 766, इस हाईवे नेशनल हाईवे को बंद करने की बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसका अल्टरनेट रास्ता है वो तैयार कीजिए ताकि इस वाले एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, फिर जो इन्वायरमेंट को जो लॉस हो रहा है उसको रोका जा सके। क्योंकि जो रास्ता है, या आप बोल सकते हो कि जो नेशनल हाईवे है 766, इससे काफ़ी सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती थी, और रात को तस्करी वगैरह काफ़ी सारे इश्यूज सामने आ रहे थे। तो इसीलिए इसमें क्या पहले तो ये प्रावधान किया गया था कि रात के अंदर कोई भी व्हीकल्स वगैरह वो इस हाईवे में बंद कर दिया गया था, कि रात को 766 हाईवे वो बंद रहेगा, यहाँ पे कोई भी व्हीकल्स वगैरह नहीं जा सकते, ये प्रावधान किया गया था। तो अब हम देखते हैं आगे जो कंटेक्स्ट है और उसको। तो एक तो आपको ध्यान रखना है नेशनल हाईवे 766। देखो यूपीएससी जो हाईवे न्यूज़ वगैरह में रहते हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछती है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये कर्नाटका को केरल से कनेक्ट है वो कर रहा है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होके जा रहा है ये रास्ता। अब इशू इसमें ये था कि समय ने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है इसको गाइडलाइन डायरेक्शन दी कि भाई आप एक अल्टरनेट खोजिए इस रास्ते का, ताकि इसको परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाए और बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही तो इसके बाद जो वहाँ के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, प्रोटेस्ट मार्च शुरू कर दिया कि भाई हमें तो काफ़ी नुकसान वगैरह हो जाएगा, हमारा रास्ता बंद हो रहा है, काफ़ी सारे इशू सामने आने लग गए। तो इसीलिए बांदीपुर टाइगर जो अभी न्यूज़ में आया है तो आपको इसकी लोकेशन से वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है यहाँ पे हर्पीज के बारे में, हर्पीज वायरस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो बेसिकली कंटेक्स्ट ही आया था कि जो एलिफेंट एंडोपेथ्रियोटिक हर्पी वायरस है वो अभी उड़ीसा में देखा गया, और इससे काफ़ी सारे हाथियों की जानें हैं वो चली गई। तो ये एक रेयर डिजीज़ है, पहली बात तो ये आपको ये ध्यान रखना है, रेयर डिजीज़ है, हाथियों में मेनली फैलती है। अब ये होता क्या है इसमें, इस डिजीज में ये होता है कि हाथी को भूख लगना कम हो जाती है, इसी के साथ ही नाक बहने लग जाती है, और जो ग्लैंड्स ग्रंथि होती हैं उनमें सूजन वगैरह आना शुरू हो जाती है, और जो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह है वो होनी शुरू हो जाती है। इससे हाथी की या फिर जो और भी एनिमल हाथी की, मतलब आप हो सकते हो कि बच्चे वगैरह उनकी उनकी जाने जाना शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो वायरस है वो एक एलिफेंट से दूसरे एलिफेंट में स्प्रेड होता है, ना कि एनिमल टू ह्यूमन। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि एनिमल टू ह्यूमन नहीं फैलता है, बस एनिमल टू एनिमल फैलता है, और वो भी मेनली हाथी से दूसरे हाथी में। तो ये अभी न्यूज में आता है हर्पीज वायरस, तो ये हमें एक छोटा सा फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को लेके। देखो तेजस एक्सप्रेस है वो इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है, मतलब इसका जो सारा मेंटेनेंस वगैरह का सारा जो काम है देख रेख सब वो प्राइवेट बॉडी के द्वारा किया जाएगा, वो काम किया जाएगा IRCTC के द्वारा। मतलब इसको सारा जो रनिंग वगैरह का काम है, जो इसके अंदर स्टाफ होगा सब प्राइवेट है, वो यहाँ पे रखा जाएगा, ताकि साफ सफाई और एफिशिएंसी को बूस्ट है वो यहाँ पे किया जा सके। ये ध्यान रखना है इंडिया की पहली है प्राइवेट ट्रेन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ट्रेन में जो जिस तरीके से फ्लाइट में एयर होस्टेस होती हैं उसी तरीके से ट्रेन होस्टेस भी इसमें रखी हैं हो गई हैं, ताकि अच्छी सर्विस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये कुछ इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बारे में न्यूज आई है, तो वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। फिर एक छोटा सा आर्टिकल लास्ट में आया है, वो है रेपो रेट के बारे में, कि अभी गवर्नमेंट या RBI ने रेपो रेट है इसको 25 जो बेसिक पॉइंट है उनसे कम कर दिया है। तो देखो हमें जो रेपो रेट एग्जैक्टली कितनी है वो हमें याद रखनी होती है जब एग्जाम से जस्ट पहले जो गवर्नमेंट चेंज करती है वो, क्योंकि रेपो रेट काफ़ी बार चेंज होती है, तो एग्जाम से जस्ट पहले ऐसे डाटा हमें याद है वो रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई रेपो रेट होती क्या है। देखो रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जो बैंक होते हैं ना, ये बेसिकली RBI से पैसा है वो लेते हैं, क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा होता नहीं है, तो वो RBI से उधारी वगैरह लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है आप हमें लोन वगैरह दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए। तो जिस रेट पे बैंक है वो RBI से पैसा ले रहे हैं, ध्यान रखना RBI और इधर हो गए बैंक, तो RBI से बैंक पैसा लेते हैं वो रेट होगी रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट कौन सी हो जाएगी, रिवर्स रेपो रेट वो हो जाएगी जिस रेट के ऊपर बैंक है वो RBI को लोन देते हैं, मतलब कि वो रेट जिस पे RBI बैंकों से लोन लेती है वो हो जाएगी रिवर्स रेपो रेट, और जिस रेट पे बैंक है वो RBI से लोन ले रहे हैं वो हो जाएगी रेपो रेट। दोनों में ये डिफरेंस है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, हमेशा रिवर्स रेपो रेट यानी कि RBI जो लोन लेती है बैंकों से उसकी रेट रेपो रेट से कम होती है, ये आप ध्यान में रखना। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगी,
इसमें डिफरेंस हमेशा कम से कम बेसिकली पहले तो एक पॉइंट का रहता था, बट आजकल कभी 25 कभी 26 के आसपास रहता है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट से हमेशा कम होती है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको यहाँ पे इंक्लूड है वो क्या गया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू, थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।